हर साल की तरह इस वर्ष भी एकलव्य भील सेवा संस्थान एवं आदिवासी समाज सागवाड़ा की ओर से महर्षि वाल्मीकि ऋषि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल भगोरा ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन समाज की ओर से विशेष रूप से पालिया फला और कुकड़िया फला के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का नेतृत्व समाज के अध्यक्ष महिपाल आहारी ने किया। शोभायात्रा की शुरुआत लोहारिया तालाब स्थित वाल्मीकि मंदिर से हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों पर मारवाड़ा, कटारवाड़ा, डेंडोरवाड़ा, मांडवी चौक, बैंक तिराहा, महिपाल स्कूल और गोल चौराहा से होते हुए तहसील कार्यालय के पीछे स्थित वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई, जहां धर्मसभा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में आदिवासी 12 फला के लोगों ने भाग लिया, जहां मार्ग में जगह जगह समाजजनों और मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। धर्मसभा में समाज के गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों के साथ बेनेश्वर साबला हरि मंदिर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने अपने प्रवचन से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई तथा प्रतिभावान छात्रों और हाल ही में सरकारी पदों पर नियुक्त समाज के सदस्यों को प्रोत्साहन दिया गया। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कृष्ण कन्हैयालाल धाम की जय। सतगुरु महाराज की जय। बल्ली भक्त असल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आदि कवि भगवान वाल्मीकि का आज जन्म जयंती महोत्सव पिछले 25-30 साल से यहाँ मनाया जा रहा है और सागवाड़ा के 12 फले के सभी भक्त मिलकर के इस आयोजन को मनाते हैं। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज शरद पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा की चांदनी में से अमृत भी बरसता है और ऐसे समय वाल्मीकि का जन्म दिवस हम सबके लिए अहोभाग्य का समय है। भगवान वाल्मीकि ने जो संदेश दिए हैं सामाजिक एकता के, उन सबका हम सब पालन करें और दया धर्म का मूल है न पाप मूल अभिमान, तो ये दया दान हमारे समाज में सब जगह बनी रहे, खूब समाज प्रगति करे, इसी में शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। आज हमारे बीच में श्री श्री अच्युतानंद जी महाराज बेणेश्वर धाम पीठाधीश्वर, जो विगत 25-30 वर्षों से यहाँ हर साल वाल्मीकि जयंती महोत्सव में पधारते हैं, पालकी जुलूस निकलता है और वाल्मीकि आदिवासी समाज इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं और एक बड़ा उत्साह होता है और ये मंदिर भी ऐसा ऐतिहासिक समाज ने बनाया है कि क्या कहने, करोड़ों रुपया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन फिर भी समाज ने इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया और ये सभी कार्यक्रम मनाते हैं और मैं भी यहाँ पे आता हूँ दिल से और अच्छा लगता है मुझे बहुत पूजा करने में। नरेश कुमार, सबसे पहले तो आपको एकता समाचार को हमारे आदिवासी समाज से खूब खूब धन्यवाद और आज हमारे वाल्मीकि जयंती महोत्सव श्री वाल्मीकि मंदिर लोहरिया तालाब से होकर वाल्मीकि मंदिर अपन पमारवाड़ा, कटारवाड़ा, डिंडोरवाड़ा, मांडवी चौक, बैंक तिराया होके महिपाल स्कूल होके गोल चौराहा होते हुए तहसील के पीछे श्री वाल्मीकि मंदिर गमेश्वर तालाब में, तालाब के पीछे मंदिर में हमारा शोभा यात्रा और यहाँ पर हमारे मंदिर में रंगारंग प्रस्तुति कार्यक्रम और बच्चों के इनाम और यहाँ का आयोजन करता हमारे पालिया फला और कुकड़िया फला के द्वारा भोजन की व्यवस्था और आज हमारे श्री पीठाधीश्वर महाराज श्री अच्युतानंद जी महाराज के तत्वाधान में यह आयोजन होने जा रहा है। मोहन भाई पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच है। मोहन भाई बताइए, आज का कार्यक्रम हुआ, आज पीठाधीश्वर 1008 महाराज जी भी बता रहे हैं अपने यहाँ। हर वर्ष की बात है, इस बार भी धूमधाम से ये वाल्मीकि जयंती महोत्सव मना रहे हैं और लगातार ये महाराज श्री के सानिध्य में ये 26वां साल है और इसी प्रकार हम महाप्रसाद का भी आयोजन किया है और हर्षोल्लास से हम ये वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं।